तो हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक नई मशीन के बारे में जिसको क्रैश बैरियर इंस्टॉलेशन मशीन कहते हैं, जो कि ट्रैक्टर से अटैच है, आप देख सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू। तो ये जो हाईवेज पे आपके बैरियर्स होते हैं उस पे लगाने के लिए, उन बैरियर्स को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए ये मशीन हमने बनाया ट्रैक्टर पे अटैच करके। तो ये आपके लिए इजी रहेगा, आपको गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये मशीन है इसके बारे में आज मैं सब कुछ बताता हूँ, किस तरह से आपको ऑपरेट करना है, किस तरह से मशीन को चलाना है, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलेंगे मशीन में आपको, और आके देखते चलिए साथ में। ये पूरे ट्रैक्टर अटैच होगी ये मशीन, इसके लिए आपको ट्रैक्टर पे कम से कम 45 HP मिनिमम हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए ड्यूल क्लच के साथ, और मल्टी स्पीड रिवर्स PTO हो तो ज़्यादा बेटर है। ये 6 लीवर की मशीन है, 6 लीवर है इसके अंदर, आप देख 6 लीवर की मशीन है पूरी ये। और इसका एक और मॉडल आता है 7 लीवर का, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा इन फ्यूचर में। अभी आप ये 6 लीवर की मशीन के बारे में देखिए पूरा, इसके अंदर एक हाइड्रोलिक पूरा हैमर लगा हुआ आप देख सकते हैं, जिसकी मदद से जो आपके बैरियर्स हैं जो कि पूरे आपके पेनेट्रेट होंगे, जिनको ठोका जाएगा बैरियर्स को आपकी मिट्टी में, ये हाइड्रोलिक हैमर लगा हुआ है। हाइड्रोलिक जैक की वजह से, हाइड्रोलिक सिलेंडर ऊपर जो लगा है आप देख सकते हैं, उसकी मदद से पूरा प्रेशर होगा पूरा। और साथ में इसमें हाइड्रोलिक आपका ये एक ऑयल टैंक भी लगा हुआ है, वो ये कंट्रोल वाल्व है, आपका पंप भी लगा है। आओ हम बताते हैं अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको ऑपरेट कैसे करना है, एक बार ट्रैक्टर चालू करके आपको बताते हैं। तो अब मैं इसको बताऊंगा आपको, इसको ऑपरेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, किस लीवर का किस हेल्प से क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहले क्या हुआ है आप इसको देख सकते हैं, इसको पहले आपको खोलना है जिससे आपका एक तरफ मशीन का लोड ना पड़े, इसको यूज़ करने के लिए इसको आपको सेट करना है जिससे आपका एक तरफ सारा लोड नहीं पड़े मशीन का। अब इस मशीन के अंदर एक फीचर जो है सबसे अच्छा राइट और लेफ्ट का, इसको कैसे मशीन में आएगा वो आप देखिए। ये देखिए आप, बताता हूँ इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी जो फीचर्स है वो भी आप देखिए इस लीवर से। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। ये आपका फुट हो गया है, आपका लेफ्ट राइट भी हो गया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो गया है। आपको अप एंड डाउन करते हैं इसके अंदर, जो आपका हैमर होगा आप ये पूरा डाउन जाएगा, ये स्लाइड होते हुए ये पूरा अप जाएगा, ये आपका डाउन। बस के अंदर एक और चीज दी गई है जो आप बेंड करने के बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपका बेंड के लिए एडजस्ट के लिए, ये आप पीछे भी ले सकते हैं, ये आपको उसको सीधा भी कर सकते हैं। ये आपका बैंड का भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस हाइड्रोलिक हैमर को आपको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर चैनल कैसे लगाना है और कैसे आपको इसको यूज़ करना है, अब मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ अब आपको कैसे ये बैरियर है, आपको कैसे इसको सेट करना है पूरा। ये आपने बैरियर लगाया, उसके बाद आपको ये हैमर को पूरा इसमें डाउन करना है, हाइड्रोलिक जैक को हैमर के साथ पूरा अटैच करना है इसमें। ये आपका अटैच हो गया, ये ऊपर जो हाइड्रोलिक जैक है ये आपका नीचे होना चाहिए, ये पूरा लॉक सिस्टम हो गया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बाद ये हमने लॉक लगा दिया है आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है इसमें, आप देख सकते हैं। इसको आपको हैमर का यूज़ करना है और एक गैप का यूज करना है, अब आप देखते चलिए साथ में, ये भी देखते चलिए।
आप देख सकते हैं ये बैरियर को मैंने पूरा लगा दिया है, और ये आप लॉक खोल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर इस बैरियर को थोड़ा और नीचे लेके जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये ऐसे आप बैरियर लगा सकते हैं, इस तरह से आपका बैरियर पूरा मिट्टी में चला गया। इसके बाद आप अपना कॉन्क्रीट ऊपर लगा सकते हैं। ये मशीन काफ़ी यूज हो रही है, और इस मशीन का मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं, हाइड्रोलिक जैक से कैसे हैमर को यूज़ करना है। ये आपके टाइम अगर बैरियर कभी भी टेढ़ा हो जाता है, या आप जब भी आप उसको ठोक रहे हैं वो इस साइड को जा रहा है या इस साइड को जा रहा है, तो उसको एडजस्ट के लिए हमने इसके अंदर सारे मूवमेंट दिए हैं। आगे पीछे कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आप बेंड करके भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि वो इस साइड ज़्यादा ना झुक रहा हो, तो वो सारे एडजस्टमेंट आप इसमें आप मशीन से कर सकते हैं। बाकी आपका जो हाइड्रोलिक हैमर है, आपका रॉक ब्रेकर, वो उसको ठोकते हुए पेनेट्रेट कर देगा बैरियर को। ये मशीन है, और इस मशीन को बुक करने के लिए, इस मशीन को लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, और जो कॉल के लिए नंबर है, जो कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये कंपनी है हरीश सिंह शर्मा इंडस्ट्रीज़ की। तो और वीडियोस के लिए, और न्यू मशीन के लिए, और नए प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हरीश सिंह शर्मा इंडस्ट्रीज़। नमस्ते।